आंसुओं की अजब सल्तनत है जहां खौफे खुदा के आंसू, तौबा के आंसू, दुआ के आंसू, शुक्र गुजारी के आंसू, सजदे के आंसू, खुशी के आंसू, हिजर के आंसू, विसाल के आंसू, दर्द के आंसू, आंसुओं की अजब कहानियां हर समत बिखरी पड़ी है। आंसू दिल की खामोश और आंखों की नमकीन जुबान होते हैं। आंसू दुखों की माया शक्ल होते हैं। आंसुओं के पसे पर्दा जज्बात की कायनात होती है। आंसू इश्क की मेराज होते हैं। आंसू इस्तिराब से सुकून की तरफ ले जाते हैं। आंसू शिकायत होते हैं हालात वाकयात के। हिजर के आंसू विसाल को खींच लाते हैं। आंसू दर्द की शायरी होते हैं। बाल हस्तियां आंसू शनास होती हैं, जो दर्द की जुबान समझते हैं और आंसुओं के पसे पर्दा दुखों को पहचानते हैं। आंसू रूहानी जुबान है जिनके ताकतवर मुक्कलात होते हैं। आंसू विसाल का इजहारे तशक्कुर होते हैं। दर्द खुशी मोहब्बत और गम के अपने अपने आंसू होते हैं। आंसू राज होते हैं। आंसू नमकीन कायनात होती है आंखों की। आंसू कैफियत होते हैं तकर्रुब के। कुछ आंसू बेहद मुकद्दस और मुकर्रब होते हैं। बच्चों और ख्वातीन के आंसू दिल पिघला देते हैं। मर्द के आंसू जब और जुल्म से नहीं, किसी गहरे सदमे की इंतहा पर निकलते हैं। आंसू जिंदा और नर्म दिल इंसानों की विरासत होते हैं। सख्त और मुर्दा दिल आंसुओं से महरूम रहते हैं। आंसू रहमत और मोहब्बत को मुतवज्जा करते हैं। अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने वाली आंख जहन्नम से महफूज रहती है। सजदे के आंसू रज़ा और कुर्बत का जरिया होते हैं। जिस जुल्म की फरियाद आंसू करे तो वो जुल्म नाकाबिले माफी हो जाता है।